नमस्कार, मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बरगवां पुलिस की अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। 56 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब के साथ एक को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के द्वारा सिंगरौली में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी बरगवां नागेंद्र प्रताप सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 56 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ की शराब सहित एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झुपकड़ का रहने वाला रमेश बसोर अपने घर में बिक्री हेतु अवैध शराब रखा है, जिसके बाद एसडीओपी नीरज नामदेव की सतत निगरानी में निरीक्षक द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम झुपगढ़ में रमेश बसोर के घर की जाँच की गई। पुलिस को जाँच में आरोपी के घर से दो जर्किनों में भरी कुल 56 लीटर भरी हाथ भट्टी महुआ की अवैध शराब मिली, जिसकी कीमत 5600 बताई जा रही है। जिसके बाद आरोपी रमेश बसोर पिता मुन्नीलाल बसोर उम्र 26 वर्ष को अपराध क्रमांक 225/20 आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9179603939, 8109422688। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर।